जब तवी नदी के किनारों को साबरमती की तर्ज पर विकसित किया जाएगा तो ये जम्मू शहर का सबसे सुंदर नजारा बन जाएगा, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। लंबे समय से सिर्फ कागजों पर चली आ रही तवी रिवर फ्रंट की योजना को जमीनी स्तर पर उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। बीते कल यानी शनिवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। आइए जानते हैं कि ये तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आखिर है क्या। इस प्रोजेक्ट में जम्मू शहर में तवी नदी के दोनों किनारों को साबरमती की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और इस पर लगभग 195 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली की कंपनी श्री बालाजी इंजीकॉस लिमिटेड द्वारा ये काम दो चरणों में पूरा किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को 18 महीने यानी जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उपराज्यपाल ने फिलहाल सिर्फ पहले चरण के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है, जिस पर लगभग 156 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड को इस कार्य को पूरा करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि पहले चरण में भगवती नगर पुल से विक्रम चौक पुल तक तवी नदी के दोनों तरफ 3.5 किलोमीटर में काम होगा। इसमें साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, वॉकवे, बैठने की जगह और 4 रेस्टोरों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही इंटरसेप्टेड ड्रेन और एसटीपी का निर्माण भी किया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 353 केनाल के क्षेत्र में बनाया जाएगा और दूसरे चरण में तवी ब्रिज विक्रम चौक से गुज्जर नगर पुल तक काम किया जाएगा। दूसरे चरण में सड़क कार्य, फुटपाथ, शॉपिंग सेंटर और अलग अलग ब्लॉक बनाने का काम किया जाएगा। दो चरणों में बनने वाला ये पूरा प्रोजेक्ट वाकई काफी खास होने वाला है। नदी के दोनों किनारों पर रास्तों का निर्माण, किनारों पर सैरगा रिटेनिंग वॉल और नदी के बीचों बीच आर्टिफिशियल झील, इसके अलावा किनारों को फूलों से सजाया जाएगा। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए पार्क, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर देश के अन्य राज्यों की तरह विकास की राह पर दौड़ने को तैयार है। श्रीनगर शहर में झेलम रिवर फ्रंट और जम्मू में तवी रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य शुरू है। अब देखना यह है कि ये प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होता है। और जैसा दिखाया जा रहा है, अगर ये प्रोजेक्ट वैसा बनकर तैयार हुआ तो ये वाकई जम्मू शहर की तस्वीर बदल देगा।